मॉर्निंग गाइस, गाइस वेलकम टू मुझे आवर न्यू डांट व्लॉग। के गाइस मुझे डांट के ला रही है। मेरे से बहुत लड़ती है, लड़ती रहती है, हमेशा करी आती रहती है। मेरे मासूम चेहरे को देखो, लड़ाई वड़ाई मेरे को नहीं आती। गाइस मासूमियत मत जाइए, हैवानियत देखिए। देखिए अभी देख लिया आपने। ये हमारे दूसरे पपी, ये देखो कैसे चल रहे हैं। ये लोग छह हैं, लेकिन ये ना कभी भी जब भी व्लॉग डालता है ना, तो ये पप्पी लोग को एडिट कर देता है। अब मैं इसको एडिट नहीं करने दूंगी। देखो पांच वहां बैठे हैं, कहां वो पेड़ के पास। हाँ, और ये देखो ये बाकी के इधर बैठे हैं हमारे जनाब। एक्चुअली में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, मुझे लग रहा है इसकी भी खराब हुई है। ये बहुत खास है, देखिए मारा मारते नहीं इसको, टपली वो मारने बोलते, वाली इसको वीडियो टपली तो बोलते। अब ये जरूर डालूंगा मैं, डाल डाल डाल। डरती हूँ क्या मैं, डरती हूँ क्या? गाइस मैं इस पे केस कर दूंगा, ये मेरे मेरे को मारती है। मेरे पे केस कर रहा है। ये देखो हम लोग ने अभी तो जो मैंने काढ़ा पी लिया है और चाय पी ली है हम सब ने मतलब, और अभी आज बनने वाला है इंस्टेंट भेल है। वो पापा लेकर आए थे इंस्टेंट भेल, तो जो कि हम लोग ने, तो वो अब हम लोग खाने वाले हैं। पापा बनाएंगे, उसके लिए सब कांदा वांदा काट लिया है। और उनने ये देखो, ये हमारी प्रिपरेशन चालू है। कुकर में चढ़ा दिया है सब, उसका सूप बनेगा। और ये कांदा कट गया है, इसका भेल बनेगा। और ये हमारा सूप, इसको हमने मिक्सर में ग्राइंड करके छान लिया है, और अब हम इसे पकाएंगे, तड़का लगाएंगे। देखो आज मम्मी नहीं, आज ये बना रहे हैं। तो हमारा घी जैसे ही पिघल रहा है, हम उसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, और इसमें डाल देंगे काली मिर्च और नमक। ये देखो अब हमने हमारा जो पिसा हुआ था पूरा वेजेस वो डाल दिया इसमें, वही नॉर्मल गाजर, बीट, टमाटर, वही सब डाला है। और अब इसमें सादा नमक, सादा नहीं सीधे सेना नमक ही डाला, काला नमक वो भी डालूंगा। हाँ तो वही, अब ये आ गया हमारा काला नमक और ब्लैक पेपर। बस अब ये बॉईल आएगा और उसके बाद हम इसको भेल के साथ खाएंगे और पियेंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट भेल, तो उसमें से हमने ये निकाल लिया और ना उसमें अभी मिक्स करेंगे मसाला। ये भेल का मसाला है, ये नहीं, ये नहीं, ये तो शेव है। अच्छा उनके पास है, वो मिक्स करेंगे पानी में और भेल में डाल देंगे, उससे वो गीला वाला, ये देखो गीला भेल बन जाएगा। ये पूरा मसाला है भेल का, ये देखो, ये देखो। अब इसने कांदा मिला दिया और साइड में सूखा भेल है, और वो देखो कटोरी में वो गीला पूरा चटनी, अब वो मिक्स करेंगे। सूखा सेव, सूखा नहीं सूखा, सूखा सूखा सूखा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन। देखो अभी ये पूरा पापा फिनिश करेंगे। तो ये हमारा आज का नाश्ता हम सबने ले लिया। मैं बालकनी में बैठी हूँ और मम्मी पापा और ये गए हैं शॉपिंग पे और आ गए भगो। तू भगो, इसने मेरा मैसेज क्यों फोन करूँ, मैसेज काहे के ले रहता है। मैंने ना इसको मैसेज किया था, मेरे को कुछ चाहिए था सामान खाने के लिए, तो इसने देखा ही नहीं मैसेज, घर आके देख रहा है पागल। फोन क्यों करूं, मैसेज किया ना, मेरे को क्या मालूम तू इतना मन दे देखेगा ही नहीं, पागल कहीं का। क्या क्या लाया, क्या इतना तो भर के, तीन प्लास्टिक भर के लाया तुम लोग। और वाइट वाइट क्या था, मखाना। और तो चार, इतना प्लास्टिक में क्या था, दोनों लोग भर रहे थे। सब्जी में क्या था, टमाटर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। किसी काम करे, फेंक दे ये फोन, तेरे काम का नहीं है। कि शॉपिंग में सबसे बड़ा खजाना यही है,
ये सारे बिस्किट है कुकीज, तो आलू और ये मखाना, ये सब्जियां, ये सब ड्राई फ्रूट्स। सास बहू किचन में आपका स्वागत है। आज सास मिसिंग है, आज पति पति बीवी किचन मान लीजिए, और आज हम बनाने जा रहे हैं दम बिरयानी। तो वेज दम बिरयानी, वैसे तो दम बिरयानी में कोयले की जरूरत है, पर हमने एक छोटा सा तरीका ढूंढा है, हम उसके थ्रू आपको दिखाएंगे कि हम कैसे बना रहे हैं। पर फिलहाल सबसे पहले अभी मैं आपको जो हमारी अभी तक की प्रिपरेशन है वो दिखा दूँ। हमने ये देखिए आप साइड में वो पूरी सब्जियाँ, गोभी, ब्रोकली, बीन्स, गाजर, आलू, आलू नहीं काटा, आलू, और ये मटर भी है। ये हम दो तरीके से प्याज काटेंगे, एक तो जब सब्जी का फ्राई लगाएंगे वो, और एक जो ऊपर से वो ब्राउन प्याज होती है ना वो करेंगे। तो अभी उन सब की तैयारी चल रही है। इसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, बहुत रो रही है ये, क्योंकि इसका काम करने का मन नहीं कर रहा। चुप है, कांदा काट रही हूं। और ये मैं काट दूंगा। और देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल जबरदस्ती का काम करते हुए जबरदस्ती। और अब हम आगे एक बार सब्जी वब्जी काट ले, मैं काट देता हूँ क्योंकि ये तो काट नहीं पाएगी, तो मैं काट देता हूँ, उसके बाद हम आगे का काम दिखाते हैं। सबसे पहले हम प्याज की वो लेयरिंग के लिए प्याज को फ्राई कर रहे हैं। इसको एक एक फ्लैप को अलग अलग कर लीजिए ताकि सिंगल सिंगल फ्लैप रहे, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, जब इसका कलर चेंज हो जाए तब निकालिए, क्योंकि यही बिरयानी को कलर प्रोवाइड करता है। अब इन्होंने रोना बंद कर दिया क्योंकि प्याज मैंने काट दी थी, मैंने काटी प्याज। हमने एक्चुअली कढ़ाई चेंज कर दी क्योंकि उसमें ना गिर बहुत रहा था, सब्जियाँ ज़्यादा है, तो ये हमने खड़े मसालों के साथ कांदा और सब्जियाँ भून लिया, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बस इतना ही डाला है, और नमक डाल के अब भून लिया है। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि अब क्या करेंगे जब ये भून के हो जाएगा। ये देखिए, अब हमने ये सब्जी में अपना दही लिया था, और दही में बिरयानी मसाला, दम बिरयानी मसाला के साथ, उसके बाद गैस ऑफ कर दी है ताकि दही फटे नहीं। और अब इसमें हम दम बिरयानी के लिए, इसमें स्मोकी फ्लेवर आए इसका जुगाड़ कर रहे हैं, जो कि दालचीनी है। दालचीनी को हम पहले जला लेंगे, और फिर इसको इस कटोरी में डाल के घी डाल के ढक देंगे। ये देखो, अब इसको हमने हमारे इस ढक्कन को आटे से सील कर दिया है और ऐसे ही रख दिया है। अब हम चावल की तरफ बढ़े। ये देखिए, अब यह हमारा स्मोकी फ्लेवर आ गया, और अब हम इसे हटा देंगे। पहले ये डाल दो ना? हाँ, पूरी सब्जी डाल दो। ये सब्जी डाल दी, अब उसी में दो कटोरी पानी डाल दो कढ़ाई में ही। अभी थोड़ा सा कांदा डाला है इसके ऊपर, पहले प्लेटिंग राइस की हटा, अब राइस डालेंगे, फिर वो लेयर की तरफ फैल, एकदम पतली लेयर ही डालना। अब उसमें डाल कांदा, कोतमीर, पुदीना, एक चुटकी बिरयानी मसाला। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमने दोनों लेयर सजाती है बिल्कुल, घी, मसाले, राइस, धनिया, पुदीना, और अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि फिर हम इसे पकाने को छोड़ें। और ये हमने रायते के लिए पुदीना और दही को अच्छे से फेंट लिया है, और अब हम इसमें मूली को बारीक कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे, और इससे बहुत अच्छा टेस्टी, और उसके बाद काला नमक और हल्का सा चाट मसाला रायते में डालें। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें मूली को बहुत अच्छे से बिल्कुल पतला पतला घिस लिया था, और क्योंकि दही हमने पुदीना के साथ फेंट ही लिया था तो वो पुदीना दही था। फिर इसमें मूली और क्या क्या मसाले डालें? चाट मसाला, काला नमक, हरी मिर्च। चाट मसाला, काला नमक और हरी मिर्च मिला के रख दिया, और हमारा रायता एकदम तैयार है, और हमारा चावल अब 7 मिनट में पक जाएगा। देखिए गाइज, हमारा दम बिरयानी, वेज दम बिरयानी एकदम रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और
टेस्टी भी बहुत है। थोड़ा सा हमने चखा और अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। परिन जनाब को अब चिप्स भी चाहिए साथ में, तो हम चिप्स भी तल रहे हैं और फिर सब खाने को बैठेंगे। तो आज हमारा खाना हो गया अपना, और घर पे कुछ मेहमान भी आए थे, तो मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मम्मी पापा और जो गेस्ट आए थे वो सब ने साथ में खाना खाया, और मैंने और अरुण ने बाद में अभी जस्ट खाना खाया। 4 बज गए हैं दोपहर के, लेट खाना खाया तो एकदम दिमाग से उतर गया था शूट करना। पर दम बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई, और पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो अब क्योंकि खाना पीना खाने के बाद अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। अभी सब सारे लोग मम्मी पापा अरुण सब गेस्ट के साथ बिजी हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं तो वहाँ जाऊँगी, मैं तब नहीं जा रही हूँ। अंकल है एक, तो सब गप्पे मार रहे हैं, पुराने दोस्त हैं, तो मैं अब थोड़ा सा आराम करूँगी अंदर अपने कमरे में, और फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है। का मीटिंग चल रहा है, ये फ़ोन पर अपनी मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा न जाने कब तक इनकी मीटिंग चलेगी। तो बस अब हमारा नाश्ता पानी हो गया है, नाश्ता नहीं सॉरी खाना खाना वगैरह हो गया है, और अब हम लोग सोएंगे और आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।